हेलो फ्रेंड्स, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के मंगौड़े। इसके लिए लिए हमने ये मूंग दाल है, इसका वज़न लगभग 400 ग्राम है। इसको हमने भिगो दिया था 6 घंटे के लिए और धुल के साफ़ कर लिया है। इनके हमें छिलके सारे नहीं निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम दुरदुरा पीस लेते हैं। इनको बारीक नहीं पीसना है बिल्कुल भी, थोड़ा हल्का मोटा मोटा पीस लेना है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल हमने पीस ली है इस तरह। अब क्या करना है, इसको हमें फेंटना है। कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से इस तरह फेंट लेना है, जिससे इसकी पकौड़े जो है ना एकदम बढ़िया फूलेंगे बिना बेकिंग पाउडर के। बिना ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। बहुत ही अमेजिंग बनेंगे इस तरह। तो इसे कम से कम 2-3 मिनट तक आप कम से कम फेंटें, तभी बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इतनी दाल हमें कम से कम फेंटनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये हरी मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं तो कम डालें। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज, ये कटा हुआ अदरक है फ्रेंड्स। मंगौड़ों में कटा हुआ अदरक अच्छा लगता है। हरा धनिया डाल दिया थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला पाउडर। सभी चीज़ों को डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इनको तलने के लिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ऑयल गरम कर लिया है। ये हमने सरसों का ऑयल लिया है। अब हम इसमें इस तरह गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है हमने। मीडियम फ्लेम पे इनको सेकना है। थोड़ा इनको सिक जाने दें, उसके बाद इनको पलटना है। अभी इनको टच नहीं करना है। देखिए, हमने इनको उलट पलट कर सेक लिया है। अब इनको बाहर निकालते हैं। ये अच्छे से क्रिस्प होने तक सिक गए हैं। इसी तरह हम दूसरे बैच के भी सेक कर तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मूंग दाल मंगौड़ी बनकर तैयार है। देखिए इतने अच्छे बने हैं, अंदर से एकदम फूले बने हैं। इसमें हमने किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर। बस दाल को हमें अच्छे से फेंट लेना चाहिए 2-3 मिनट तक,
और आपके मंगौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और बनाते दाल जब हम पीसें उस टाइम हमें बिल्कुल ही पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। दाल को हमने साफ़ कर लिया धुल के, उसके बाद किसी बर्तन में रख दें पानी निकालने के लिए और पीसें, तो उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की और अच्छे से पिस जाएगी दाल। और इसी तरह बनाएं आप दाल के मंगौड़े, मूंग दाल के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो एंड तक देखने के लिए।